हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ आगे तक के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 10 नंबर तक के, यानी कि 7, 8, 9, 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंशिएट लॉग रेज पावर एक्स प्लस में एक्स रेज पावर लॉग एक्स। तो इसमें हमारे को दो जो हैं टर्म्स दे रखी हैं, एक लॉग एक्स की पावर एक्स है और दूसरी एक्स की पावर लॉग एक्स है। तो हम इसे वाई के इक्वल मान लेते हैं, पूरे लॉग एक्स रेज पावर एक्स प्लस में एक्स रेज पावर लॉग एक्स को। तो ये दो हो गई। अब इन दोनों टर्म्स को भी अलग अलग यू और वी मान लेंगे, यानी कि लॉग एक्स रेज पावर एक्स को हम यू मान लेते हैं और एक्स रेज पावर लॉग एक्स को जो है हम वी मान लेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ये जैसे हुआ यू और ये दूसरे वाला जो है हमारे पास हो गया वी। तो हम लॉग एक्स रेज पावर एक्स जो है इसमें, अब क्योंकि ये पावर में है, इसी तरह से एक्स रेज पावर लॉग एक्स भी जो है पावर में है, दोनों फंक्शन हैं, एक्स की टर्म्स हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जैसे वाई जो है यू प्लस वी हो गया, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड का हो जाएगा और राइट साइड में डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो हम जो ये कह रहे थे कि ये पावर में है, क्योंकि दोनों टर्म्स यू और वी, और इसको जो है अगर हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं और फिर उनको करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम पहले यू वाली टर्म को लेते हैं, तो और फिर जो है अभी उसके बाद जो है जब ये सॉल्व हो जाएगा इसको डिफरेंशिएट होके, तो फिर वी वाली लेंगे। तो पहले जो है फर्स्ट टर्म ली हमने कि जब u जो है वो log x रेज पावर x है। अब जैसा कि मैं पहले अभी आपको बता रहा था कि क्योंकि ये पावर में है, तो log ले लेने से पावर जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, तो इजी हो जाएगा हमारे को इसको जो है डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ हमने दोनों साइड log ले लिया, तो log ले लेने से u का log हो जाएगा log u, और जो ये है log x रेज पावर x, इसके साथ log लगा देंगे। अब क्योंकि जो है ये log x के पावर जो है x है, तो ये पावर जो है पहले वाले log के आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x log और यहाँ पे log x हो जाएगा ब्रैकेट में। अब ये दो हमारे पास हो गए, एक तो x हो गया, एक log log x हो गया। तो हम इसको चेन रूल से करेंगे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमारे पास जो है ये आएगा कि log u का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा, log u का हो जाएगा 1 अपॉन में u, फिर u का करेंगे तो du अपॉन में dx हो जाएगा। इसी तरह से हम log log x को कांस्टेंट मान के x का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा और log log x एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उससे हमने कांस्टेंट माना है। अब जो है log log x का करेंगे x को कांस्टेंट मान के, तो x एज इट इज़ आ जाएगा और log log x का हो जाएगा 1 अपॉन में log x, यानी कि ब्रैकेट वाला log x जो है नीचे 1 के आ जाएगा। अब log x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो है राइट साइड में है log log x और 1 प्लस में 1 अपॉन में log x, तो du अपॉन में dx जो है वो हो जाएगा जब हम इसको दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड वाला 1 अपॉन में u कैंसिल हो जाएगा और इधर हो गया u और ब्रैकेट में हो गया log log x प्लस में 1 अपॉन में log x, तो ये आ गया। अब u की वैल्यू हमारे को पता है, वो है log रेज पावर x, तो log x रेज पावर x जो है वो u की वैल्यू है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया log x रेज पावर x और ब्रैकेट में जो हमारे पास पहले लिखा हुआ था वही लिख देंगे, log log x प्लस में 1 अपॉन में log x, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास डी यू अपॉन में डी एक्स हो गया, यानी कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें राइट साइड का पहले वाली टर्म की वैल्यू हमारे को पता लग गई। तो इसको हम नंबर दे देते हैं 2। अब जो है हम v को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे को डी वी अपॉन में डी एक्स भी निकालना है। तो अब v जो है वो है x log
एक्स रेज पावर लॉग एक्स है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके लिए जो है, अब क्योंकि एक्स की पावर लॉग एक्स है, तो इसको हम जो है लॉग एक्स दोनों तरफ लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो लॉग एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में पावर के बजाय मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो ऊपर पावर में था, और हमारे को इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो ये हो गया वी का, हो गया लॉग वी, और ये हो गया लॉग एक्स रेज पावर लॉग एक्स। अब लॉग एक्स क्योंकि पावर में, जैसे मैंने बताया, ये आगे आके पहले वाले जो लॉग के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो इस तरह ये लॉग एक्स दो बार आ गया, मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग एक्स का स्क्वायर। तो अब जो है इसे एक्स की पावर एन वाले फार्मूले से हम डिफरेंशिएट पहले कर लेंगे, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब ये जो है हमारे पास, इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास लॉग वी का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन में वी, और फिर वी का करेंगे तो डी वी अपॉन में डी एक्स। अब ये लॉग स्क्वायर का करना है, तो ये हो जाएगा टू लॉग एक्स, क्योंकि एक्स एन वाले फार्मूले से कर रहे हैं, तो लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन में एक्स। तो इस तरह से ये हो गया टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। और इधर जो है हमारे पास v की वैल्यू जो है, हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो गया v, और ये हो गया v इंटू में टू लॉग x अपॉन में x। अब हमें पता है कि v की वैल्यू है x रेज पावर लॉग x, तो हम जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, और ये हो गया यहाँ पे x रेज पावर लॉग x, और ये इंटू में टू लॉग x अपॉन में x। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको जो है, हमारे पास dv अपॉन में dx की जो वैल्यू आ गई है, इसे हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, और ये क्योंकि नीचे भी x है, तो ये ऊपर जाके log x में से 1 माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया 2 इंटू में log 2 x, और log x माइनस 1 उसके पावर में चला गया, और इंटू में log x हो गया। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड और थर्ड की वैल्यू रख देंगे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे को आ जाएगा, क्योंकि डी यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो पहले डी यू अपॉन में डी एक्स जो है हमारे को वो लिख देंगे हम इधर, और फिर प्लस करके डी वी अपॉन में डी एक्स भी लिख देंगे। तो डी यू अपॉन में डी एक्स है लॉग एक्स रेज पावर एक्स, और ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई होके आ गया लॉग लॉग एक्स, और प्लस में जो है यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद है, उधर पहले नहीं लगाया था, यहाँ ये ब्रैकेट हम बंद होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी लॉग एक्स प्लस में वन अपॉन में लॉग एक्स इधर आ गया, और इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, और यहाँ डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। ये हो गई ये हमारी, ये हम इधर लिख देते हैं इसको 2x रेज पावर log x माइनस 1 इंटू में log x है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा ये 2, और यहाँ जो है आप log x को पहले लिख देते हैं, तो क्योंकि ताकि कन्फ्यूज़न ना बने, तो ये हो गया x रेज पावर log x माइनस के 1, माइनस 1 इधर और आएगा log x रेज पावर माइनस 1। तो डिफरेंशिएट साइन रेज पावर एक्स प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसको हमने सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो है दो टर्म्स में है, पहली टर्म है साइन एक्स की पावर एक्स, और दूसरी है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसको हम वाई के इक्वल मान लेते हैं, तो वाई के इक्वल मान के जो है यहाँ पे वाई जो है साइन एक्स की रेज पावर एक्स प्लस में जो है साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो साइन एक्स रेज पावर एक्स है इसको यू मान लेते हैं, और साइन इनवर्स रूट एक्स को वी मान लेते हैं। तो इनको जो है अलग अलग सॉल्व करके हम जो है निकाल पाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास यू हो गया साइन एक्स रेज पावर एक्स, और वी हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हम जो है वाई को लिख सकते हैं यू प्लस में वी, तो y जो है वो u प्लस v हो गया। तो इसको, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन में dx जो है
ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आ जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ डी वी अपॉन में डी एक्स, तो ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। अब जो है हम इसमें अगर डी यू अपॉन में डी एक्स निकाल लें और डी वी अपॉन में डी एक्स निकाल लें, यानी कि यू का डिफरेंशिएशन और वी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर लें, तो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। तो यू हमें जो दे रखा है साइन एक्स रेज पावर एक्स, ये ले लिया क्योंकि पावर में एक्स आ रहा है ऊपर, तो हम इसका लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा लॉग यू। तो क्योंकि u का खाली log लगाना है तो ये हो गया log u, और ये साइन x रेज पावर x है इसका log हो गया। तो ये जो पावर वाला x है ये नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होके log साइन x के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू में log साइन x। तो अब जो है हमारे पास दो टर्म होगी, एक x हो गया और एक log साइन x हो गया। तो इनको आपस में ये चेन रूल से इनको किया जा सकता है। तो अब हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे को मिलेगा log u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में u, और डी u का करेंगे तो डी यू अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। अब log साइन x को कांस्टेंट मान के x का करते हैं तो 1 हो जाएगा x का, और ये हो जाएगा log साइन x, और फिर x को कांस्टेंट मान के log साइन x का करेंगे तो ये x तो एज इट इज़ आ जाएगा, log साइन x का हो जाएगा 1 अपॉन में साइन x, और फिर साइन x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos x। तो इस तरह से cos x अपॉन में साइन x हमारा अगले टर्म में जो है वो cot x में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास राइट साइड में आ गया log साइन x प्लस में x cot x, और ये दोनों साइड u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन में u कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड से, तो du अपॉन में dx हो गया u इंटू में log साइन x प्लस में x cot x। यहाँ पे cos x अपॉन में साइन x cot x में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा x cot x। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया। अब u की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देते हैं, u की वैल्यू जो है साइन x रेज पावर x है, उसे यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखना जो है u की जगह हम लिख देते हैं साइन x रेज पावर x, तो du अपॉन में dx जो है वो कम्प्लीटली हमारे पास आ जाता है। अब v जो है वो है हमारे पास साइन इनवर्स रूट x, तो इसका जो है हमारे को वैल्यू निकालनी है। अब तो इसको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पावर में कुछ नहीं है, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का करेंगे तो इसका हो जाएगा वन अपॉन में वन माइनस में रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा वन अपॉन में टू रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन में टू रूट एक्स। तो ये हमारे पास आ गया, और नीचे जो रूट एक्स का स्क्वायर है स्क्वायर रूट के नीचे वो एक्स में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया वन अपॉन में जो है टू रूट एक्स पहले ले लिया हमने, और नीचे जो है ये रूट एक्स का स्क्वायर एक्स में बदल गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स और मल्टीप्लाई हो गया टू रूट एक्स के साथ। तो इस तरह से ये थर्ड जो है इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमारे को जो है इसका सेकंड और थर्ड की वैल्यू जो है फर्स्ट में रख देंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको यहाँ हमने क्या करना है कि सेकंड और थर्ड की वैल्यू को डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स को डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स वाली फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ जाएगा इसके ये वाली सेकंड वाली वैल्यू प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो u है, u की जगह जैसे हमने पहले बताया था कि यहाँ पे हमारे को रख देना चाहिए था साइन x का रेज पावर x, तो ये जो है इधर ये हमने रख दिया, और यही जो है एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया साइन x रेज पावर x, और ब्रैकेट में है log साइन x जो है इसको लिख देंगे, और प्लस में x cot x। तो ये हमारे हो गया du यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू साइन x रेज पावर x, और ब्रैकेट में log साइन x प्लस में x
कॉट एक्स, और फिर डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू भी रख देंगे, वो है आपके प्लस का साइन लगा के वन अपॉन में टू रूट एक्स इंटू में रूट वन माइनस एक्स। तो ये हमारे पास जो है टोटल वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन में डी एक्स की, यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th पे चलते हैं और उस 9th क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है तो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो है डिफ्रेंशिएट एक्स रेज पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है। तो पहले वाले में साइन जो था इनवर्स रूट एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स रेज पावर कॉस एक्स है। तो वाई जो है वो है एक्स रेज पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स रेज पावर कॉस एक्स। तो ये हमारे पास है, इसको हमने y मान लिया। तो अब इसको दोनों टर्म्स को u और v अलग अलग मान लेते हैं। तो x रेज पावर साइन x को अगर हम u मान लें और साइन रेज पावर cos x को v मान लेते हैं, तो हमारे पास ये जो है ये दोनों जो हैं u और v दो टर्म में हो जाएगा। और इसको जो है फिर हम, क्योंकि दोनों x की टर्म्स एक दूसरे के ऊपर पावर में बेस और पावर में हैं, तो इनको लॉग की मदद से सिंप्लीफाई करके किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। तो हमारे पास y जो है अब वो हो गया u प्लस में v, तो y जो है u प्लस v है। तो इसके लिए जो है हम u को जो है x रेज पावर साइन x इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है हम हो गया दोनों साइड अगर हमने लॉग लिया तो ये हो गया लेफ्ट साइड के लॉग हो जाएगा लॉग यू, और राइट साइड का हो जाएगा लॉग और एक्स रेज पावर साइन एक्स। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में ये हुआ लॉग यू और राइट साइड में हो गया लॉग एक्स रेज पावर साइन एक्स। तो ये साइन एक्स के पावर में इसलिए आगे आ जाएगा लॉग एक्स के, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। तो ये दो टर्म्स हो गई, तो चेन रूल से इसको किया जाएगा। तो अब जो है दोनों साइड से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो लॉग यू जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले लॉग यू का करेंगे तो वन अपॉन में यू हो जाता है, और फिर जो है इस तरह से इधर लिखेंगे वन अपॉन में यू, फिर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। अब जो है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस लॉग एक्स को कांस्टेंट मान के, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और लॉग एक्स मल्टीप्लाई में हो गया। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स को कांस्टेंट मान के, तो साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा वन अपॉन में एक्स। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास आ गया। तो अब यू से दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी यू अपॉन में डी एक्स जो है वो हो गया यू इंटू में कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये आया। तो अब इधर जो है यू की वैल्यू जो है हमारे पास दे रखी है एक्स रेज पावर साइन एक्स, तो इधर इसको यू की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास डी यू अपॉन में डी एक्स जो है वो हो जाएगा एक्स रेज पावर साइन एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में जो है वो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ये लिख दिया प्लस में साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर हम इधर एक्स एलसीएम ले लेते हैं तो ये लॉग एक्स के साथ भी एक्स आ जाएगा ऊपर, कॉस एक्स लॉग एक्स के साथ एक्स आएगा, इधर कॉस एक्स के साथ भी एक्स लिखना है। तो एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में एक्स आ गया। तो इस तरह से ये एक्स साइन एक्स माइनस वन इंटू में एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस में साइन एक्स जो है ये हो गया सेकंड। अब जो है हमारे को करना है यहाँ पे वी वाले का, तो वी इक्वल टू है साइन साइन एक्स की रे पावर है कॉस एक्स, तो ये हमारे पास है, तो इसको हमारे को करना है। तो इसको करने के लिए जो है अब आप देख रहे हैं कि इधर दोनों साइड जो है लॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं और लॉग लेके इसको करेंगे। तो जो लेफ्ट साइड में है वी वो हो जाएगा लॉग वी, तो यहाँ पे लॉग वी आ गया, और इधर जो है ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स रेज पावर कॉस एक्स। तो इधर है साइन एक्स रेज पावर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्योंकि पावर में है इसलिए लॉग साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये हो गया,
अब जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे अब वी लॉग वी का करते हैं तो वन अपॉन में वी डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, और जो इधर है कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स है, चेन रूल से करेंगे, पहले कॉस एक्स का करते हैं माइनस के साइन एक्स हो जाएंगे और लॉग साइन एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर जो है कॉस एक्स को कांस्टेंट मान के प्लस करके लिख देंगे प्लस कॉस एक्स, और लॉग साइन एक्स का करेंगे तो पहले वन अपॉन में साइन एक्स आएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो वो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। तो अब हम देख रहे हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स तो हो गया कॉट एक्स, तो और इनटू में कॉस एक्स, तो ये सेकंड वाली टर्म हो जाएगी कॉस एक्स कॉट एक्स, तो ये होगी। तो डी दोनों साइड वी से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी ये हो गया डी वी अपॉन में डी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारे पास वी हो जाएगा, और वी की वैल्यू हमने रख दी साइन एक्स रेज पावर कॉस एक्स, और यहाँ पर जो है ये हो गया माइनस के साइन एक्स लॉग साइन एक्स, और इधर जो है ये हो गया प्लस में जो है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स जो है वो कॉट एक्स हो गया, और कॉस एक्स और है तो ये हो गया प्लस में कॉट एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स कॉट एक्स, आप जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ गया प्लस में कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स, तो ये जो है यहाँ पे लिख दिया कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स को कॉट एक्स लिख दिया। तो अब जो है डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे जो है रख देंगे फर्स्ट में और डी यू अपॉन में डी एक्स की भी, तो इससे जो है अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन इक्वेशन है, तो इसमें अगर तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो हो गया हमारा, पहले डी यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हम रखते हैं वो है एक्स रेज पावर साइन एक्स माइनस के वन, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस एक्स लॉग एक्स, और ये जो है प्लस में साइन एक्स, तो ये तो हो गया हमारा डी यू अपॉन में डी एक्स, और फिर प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स और लिखना है, तो डी वी अपॉन में डी एक्स हमने अभी निकाला वो है साइन एक्स रेज पावर कॉस एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो है हमारे पास वो वाला लिखना है हमारा को दे ये यहाँ है माइनस के साइन एक्स लॉग साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स कॉट एक्स, तो पहले कॉस एक्स कॉट एक्स को हम लिख लेते हैं और फिर माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ गया और यही हमारा इसका सॉल्यूशन भी है, तो ये जो है क्वेश्चन पूरा हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें डिफरेंशिएट करना है एक्स रेज पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वन, तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो एक्स के ऊपर एक्स का ही एक फंक्शन है, तो ये जो है पावर में है इसलिए फर्स्ट वाले को तो हम लॉग से लेंगे और सेकंड वाले को जो है क्योंकि ये वो जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है इसलिए इसको फ्रैक्शन वाले फार्मूले से करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी के, जहाँ पर u जो है वो है x रेज पावर x cos x, तो और तो इसको तो u को तो पहले वाला ले लिया x रेज पावर x cos x, और जो v है वो हमने ले लिया सेकंड वाला जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वन। तो अब पहले फर्स्ट वाले को करना है फिर सेकंड वाले को करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स के इक्वल हो जाता है, तो इस रिलेशन को हम फर्स्ट रिलेशन मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो है हमने u इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एक्स कॉस एक्स को सॉल्व करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको जो है हम लिख देते हैं केस वन में, और यहाँ पर जो है आप इसका लॉग लेंगे तो लॉग दोनों साइड हमारे को लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगी। तो ये हो गया लॉग यू लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का जो है एक्स कॉस एक्स जो पावर में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा लॉग से पहले। तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स, और ये बेस जो है वो लॉग के साथ लग के लॉग एक्स हो गया। तो इस तरह से ये तीन इकट्ठे एक्स के फंक्शन हो गए, एक एक्स, एक कॉस एक्स और एक लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो चेन रूल से हमारे को करना पड़ेगा। तो पहले लॉग यू का करेंगे तो वन अपॉन में यू डी यू अपॉन में डी एक्स लेफ्ट साइड वाले का हो गया। अब राइट साइड वाले का करेंगे तो पहले एक्स का करेंगे तो वो वन हो गया, कॉस एक्स लॉग एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो है एक्स और लॉग एक्स एज इट इज़ आ जाएंगे, कॉस एक्स का करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो ये एक्स और यहाँ माइनस के साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स, ये हो गया। और थर्ड वाले में एक्स कॉस एक्स जो है एज इट इज़ आ जाएंगे, और लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन में एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है अब लेफ्ट साइड राइट साइड में जो भी आया है इसमें हम दोनों साइड में यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन में यू कट जाएगा। तो ये डी यू अपॉन में डी एक्स जो है हमारे पास बचा, और इधर यू की वैल्यू हम डायरेक्ट ही रख रहे हैं एक्स एक्स रेज एक्स के साथ, एक्स कॉस एक्स उसकी पावर में आ गया, और ब्रैकेट में जो है कॉस एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे हो गया माइनस के एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो ये हमारे पास डी यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसे हम जो है रिलेशन टू या इक्वेशन टू कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो है हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे जहाँ पे वी जो है वो है हमारे पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको जो है नीचे स्क्वायर करके लिखेंगे, और ऊपर पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा के न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन का लिखेंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी अपॉन में डी एक्स। तो न्यूमरेटर यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एज इट इज़ है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो गया और वन का जीरो हो गया, तो ये टोटल हो गया टू एक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा और माइनस वन का जीरो हो जाएगा, तो आया आपके पास टू एक्स ब्रैकेट में। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को जो है टू एक्स जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब हो जाएगा हमारे पास, और फिर माइनस वन को टू एक्स से करेंगे तो माइनस के टू एक्स। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को टू एक्स से करेंगे तो माइनस के टू एक्स क्यूब, और माइनस वन को टू एक्स करेंगे तो माइनस के टू एक्स। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस के टू एक्स क्यूब प्लस के टू एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, तो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस के फोर एक्स हो गए। नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया, ये रिलेशन थ्री हो गया। अब हम जो है रिलेशन वन जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स है, उसमें तो सेकेंड और थर्ड से जो हमने डी यू अपॉन में डी एक्स और थर्ड वाले से जो डी वी अपॉन में डी एक्स निकाला वो वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये डी यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ लिख देते हैं। एक्स एक्स के पावर जो है वो है एक्स कॉस एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में कॉस एक्स लॉग एक्स, और प्लस में कॉस एक्स यहाँ लिख देते हैं, पहले प्लस वाले लिख देंगे, फिर माइनस का जो है एक्स साइन एक्स लॉग एक्स ये यहाँ पर लिख दिया, और फिर एक जो डी वी अपॉन में डी एक्स है वो वाला लिख देते हैं, माइनस के फोर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के वन का होल स्क्वायर। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।